दोस्तों आज मैं आपके लिए कैमरे में कैद 5 ऐसी घटनाएं लेकर आया हूँ जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो गई और आज भी जो उन्हें देखता है उनका दिमाग चकरा जाता है, जिनके रहस्य को आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। टंबलवीड अटैक 2014 में इंटरनेट पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में गांजे के पेड़ों को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए देखा गया, जिसमें ओयो में मौजूद एक शहर को पूरी तरह से ढक दिया, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक शहर पर हमला कर दिया हो, लेकिन असल में वो केवल एक टंबलवीड अटैक था जो तूफान के साथ यहाँ आ गया था। लावा फ्लोइंग 2008 में जब हवाई में मौजूद ज्वालामुखी अचानक से फट जाती है तो उससे निकलने वाला लावा पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेता है, यहाँ तक कि 26 घर इस लावा में पिघल जाते हैं और 2000 लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। जिस जलते हुए लावा को शहर की कई सड़कों पर देखा गया और साथ ही उस जहरीली गैस को भी जो उस लावा से निकल रही थी। इंटेंस हीट वेव इंटरनेट पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में एक 50 साल पुराने केक्टस को दिखाया गया है, कैसे वो गर्मी के चलते पूरी तरह से पिघल गया और उसकी डालियां भी उस गर्मी की चपेट में आ गई। जिस हीट वेव का अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हो कि कैसे एक चॉकलेट कुछ ही सेकंड में उस गर्मी से पिघल जाती है। इसका एक पंच कनाडा में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में लोगों को चौंकाने वाला कुछ ऐसा था जिसे जिसने भी देखा वो काफी हैरान हो गया, क्योंकि बादलों में मौजूद ये सर्कल किसी रहस्य से कम नहीं था जो मीलों दूर से भी नजर आ रहा था। लेकिन बाद में जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें जब ठंडे बादल जमे हुए बादलों से मिलते हैं तो ऐसा आकार बन जाता है, हालांकि उन बादलों के अंदर जमा देने वाला स्नो मौजूद होता है। मेज फ्लाई स्वर्म अगर आपको कीड़ों से डर लगता है तो आपको गर्मियों में ओयो के इस शहर से काफी दूर रहना चाहिए। बताया जाता है कि मेज फ्लाई नाम के ये कीड़े न केवल इस शहर में पाए जाते हैं बल्कि वो इस पूरे शहर को अपनी आबादी से भर देते हैं। फिर आप जहाँ भी जाते हो ये आपको उस जगह पर काफी ज्यादा तादाद में मिलते हैं और 2 दिनों तक जिंदा रहने के बाद इनकी लाशें सड़कों पर जमा हो जाती है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, ऐसा करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा।